हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का शीर्षक है दुख में किसी का साथ मत छोड़ना। तो चलिए, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा, बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ के जो भी तोते थे एक एक कर उसको छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के क्वार्टर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मक और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाने लेकर आता था और उसी क्वार्टर में आ बैठता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर अपना नया घर बसाते हैं, परंतु वो बूढ़ा तोता वो छोड़ने को तैयार नहीं था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है। जब भी उस जंगल में बहुत सारे पेड़ है, लेकिन उसी पेड़ पर रहता है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मक है, बहुत ही अच्छे मन के है, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ है, बड़े बड़े कोटर है, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जाऊँ? इस पर संकट आया तो मैं क्या इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसे ही हरा भरा कर दो। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया है। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चला गया। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर होता आता है, तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसा समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन हमेशा दुख का साथी ज़रूर बनिएगा। थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।